और भी अपने पैरों को खोल सकते हैं। इससे आपकी थोड़ा एंकल भी, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपकी स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप ध्रुव और वर्ल्ड वुमेंस टीवी के योगा लाइव प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज की जो सुबह है बहुत ही ज़बरदस्त सुबह, बहुत ही खूबसूरत सुबह है। बिकॉज कहते हैं ना कि अगर सर्दियों के दिनों में आपको धूप मिल जाए तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता, और विटामिन डी तो भरपूर मात्रा में हमें मिलता है धूप के साथ। सो दोस्तों, इससे ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम चलते हैं सीधा एवरेस्ट योगा एकेडमी में और जानते हैं देव कुमार सर से कि आज वो कौन सा आसन आप सबको बताएंगे और उसको करके दिखाएंगे सिमी मक्कर मैम। तो करते हैं शो की शुरुआत और चलते हैं एवरेस्ट योगा एकेडमी में। नमस्ते देव सर, कैसे हैं आप? नमस्कार हरदीप सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज आप हमारे दर्शकों को कौन सा आसन करवाने जा रहे हैं? आज हम अपने दर्शकों को कराने जा रहे हैं मकरासन, जो कि बहुत ही अच्छा आसन है, और वो आपको करके दिखाएंगे हमारे सिमी मैम जो कि योगा टीचर हैं। अब हम शुरू करते हैं मकरासन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। चलिए, हमने इससे पहले सेशन में हमने कुछ बैठकर आसन किए थे, उनके हमने बेनिफिट्स भी बताए थे और किसको नहीं करना है उनके बारे में भी बताया था। आज हम सेम ऐसे ही कुछ लेटकर आसन करेंगे, उनके बेनिफिट्स आपको बताएंगे किसको करना है और किसको नहीं करना है। चलिए यहीं से हम कुछ आसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसन करेंगे मकर आसन। धीरे से अपने पेट के बल लेट जाएंगे, आराम से श्वास भरते हुए अपने दोनों एल्बो से स्टैंड बनाएंगे, अपने पाम्स को साइड में लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और यहीं से अब नॉर्मल ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे। आप अपने पैरों को सीधा भी रख सकते हैं और बाहर की ओर भी अपने पैरों को खोल सकते हैं। इससे आपकी थोड़ा एंकल भी ट्विस्ट हो जाएगी, तो आपको एंकल में भी हल्का हल्का स्ट्रेच आएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपकी स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो आजकल एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, और बैक पेन जिनको हो जाता है, और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जिनको हो जाती है उसकी वजह से शाटिका पेन जो बन जाता है पैरों में, तो उससे हम इसको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आप माउथ को हल्का हल्का मूव भी कर सकते हैं, अपनी जॉ के मूवमेंट कर सकते हैं, और जितना भी हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके सभी बेनिफिट्स को पा सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से इसकी बात करते हैं कि किन को ये नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी या जिनको हर्निया की प्रॉब्लम होती है, इनको ये नहीं करना चाहिए। बाकी इसको सभी कर सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपनी सभी जो भी ये मैंने प्रॉब्लम्स बताई है इनको पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। इस तरह से हम दूसरे आसन भी आप कुछ देर में करने जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको इस आसन के बेनिफिट इतने ही हैं। चलिए अभी धीरे धीरे हम इस आसन से वापस आएंगे, अपने दोनों पैरों को वापस लेके आएंगे, हाथों को धीरे से नीचे रखेंगे और अपने फेस को टर्न करेंगे किसी भी साइड और रिलैक्स करेंगे आराम से। देव सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो डेली इस आसन को करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस आसन को करने से? जो मकर आसन है ये बहुत ही अच्छा आसन है। सबसे पहले आपकी गर्दन के लिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको क्रॉनिक पेन होने लगता है गर्दन में, बेकार लाइफस्टाइल की वजह से, जिनको कॉलर भी लग चुका है कई बार, बट उन लोगों का पेन ठीक नहीं होता, वो बहुत तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उनको कॉलर लग जाता है, वो शिकायत करते हैं, तो ये सब करने के बाद भी वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको आराम नहीं मिलता है। अगर आप मकर आसन की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जो गर्दन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा मेरुदंड होता है, ये उसको बहुत ही ज़्यादा ठीक रखता है, उसको मजबूत बनाता है। अगर आप इसमें अच्छे से होल्डिंग करेंगे, इसको थोड़ी देर तक रुकेंगे इस आसन में, तो आपका जो मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे आपको कमर दर्द कभी भी नहीं होगा। इससे लोअर बैक पेन भी ठीक होता है और गर्दन में खिंचाव बनता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिनका थायराइड इम्बैलेंस रहता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, उनको बोलने में वेट ज़्यादा बढ़ जाता है उनका थायराइड इम्बैलेंस होने से,
तो थायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छा है। दूसरा, कुछ लोगों की डबल चिन आ जाती है, जो लोग मोटे हो जाते हैं तो डबल चिन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। अगर आप इस आसन में होल्डिंग ज़्यादा करें और साथ ही साथ अपने मुंह की भी मूवमेंट करेंगे तो आप अपनी इन सभी चीज़ों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये आसन किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये मैं आपको, हाँ ये भी बताना चाहूँगा कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं और जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, लाइक जिनको अस्थमा होता है, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। और जिनको कोई हार्ट की सर्जरी हुई है रिसेंटली, उनको भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको उल्टा लिटा कर कुछ भी कराना मना किया जाता है, उसको हम अवॉइड करेंगे। बाकी सभी इस आसन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच देव सर, आज आपने हमारे दर्शकों को मकर आसन के बारे में बताया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका। कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।